हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का पार्ट 3। लास्ट मेरे वीडियो में आपने देखा था प्रेशर, गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आज हम देखेंगे पास्कल लॉ एंड इट्स अप्लीकेशंस। अप्लीकेशंस में मेनली देखने वाले हैं दो अप्लीकेशंस, हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है। शुरू करते हैं फिर पास्कल लॉ से। अब पहले समझ लेते हैं, पास्कल लॉ का स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा है पर पहले समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पास्कल, पास्कल एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट था, तो उसके हिसाब से क्या है पास्कल लॉ की थ्योरी देखेंगे। तो हियर वी कंसिडर अ कंटेनर इन विच देर इज़ अ फ्लूइड विच इज़ एट रेस्ट पोजिशन, ठीक है। एक फ्लूइड है कंटेनर में, रेस्ट में है, रेस्ट पोजिशन पे है, ठीक है, ठीक है। और अब क्या करते हैं, ये एनक्लोज फ्लूइड है, इसको बंद किया है ये फ्लूइड को विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट, बोल सकते हैं सम ऑब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज पिस्टन। पिस्टन यानी क्या है, आप होली की पिचकारी आपकी आप आँखों के सामने लाओ या अपना इंजेक्शन की सिरिंज, तो उसमें जो रहता है ना वो है पिस्टन, ओके। तो वो टाइप का पिस्टन हमने यहाँ पे कंटेनर को लगाया है। अब क्या है पास्कल लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ इफ़ प्रेशर अगर अप्लाइड किया है ऊपर से, अगर प्रेशर अप्लाइड करते हैं एट एनी पॉइंट, कौन से भी पॉइंट से अगर प्रेशर अप्लाइड करते हैं ये एनक्लोज फ्लूइड पे, तो क्या होगा, ये जो प्रेशर है ये ट्रांसमिट होगा इक्वली। और यहाँ पे अगर दूसरे पार्टिकल्स है, यहाँ पे दूसरे पार्टिकल्स है फ्लूइड के, तो क्या होगा, ये प्रेशर जो है वो इक्वली ट्रांसमिट होगा टू द एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड, हर एक पॉइंट को इक्वली ट्रांसमिट होगा विदाउट फेल, विदाउट एनी लॉस, ठीक है, विदाउट एनी लॉस, बीच में कोई भी लॉस ना होते हुए वो इक्वली ट्रांसमिट होगा। एंड इक्वली सब पॉइंट पे ट्रांसमिट होने के बाद में इट आल्सो ट्रांसमिट टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कहाँ पे ट्रांसमिट होगा, टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। दिस इज़ नोन एज पास्कल लॉ। समझ में आया कि बस इतना ही याद रखना है कि प्रेशर जो है ऊपर से एक खादे पॉइंट को लगाते हैं वही प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है every point to the fluid and also to the walls of the container without any fail, ठीक है। तो ये है, यानी इक्वल प्रेशर रहता है ऊपर से, जो दिया हुआ प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है टू एवरी पॉइंट एंड टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये है शॉर्टकटली पास्कल्स लॉ, ठीक है, स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट देखते हैं क्या है पास्कल लॉ का। इट स्टेट्स दैट द प्रेशर अप्लाइड, क्या अप्लाई करना है, प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ एन एनक्लोज फ्लूइड एट रेस्ट इज ट्रांसमिटेड इक्वली, ठीक है, इक्वली एंड अनडिमिनिश टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड ऑल्सो ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर प्रोवाइडेड द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज निग्लेक्टेड। अब इसमें जो अनडिमिनिश आपको दिखाई दे रहा है वो है विदाउट एनी फेल, विदाउट एनी लॉस, बीच में कुछ नष्ट न होते हुए, नष्ट न होते हुए या लॉस न होता हुआ वो प्रेशर एवरी पॉइंट पे जाएगा फ्लूइड को, और एंड इट इज़ ऑल्सो ट्रांसमिटेड टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखा है प्रोवाइडेड द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज निग्लेक्टेड, ग्रेविटी का इफेक्ट तो हर एक किस पे रहता ही है, पर उसको निग्लेक्ट कर दो, उसका कुछ भी इफेक्ट होता है वो नहीं देखना है, सिर्फ देखना है कि जो प्रेशर अप्लाइड, कोई भी पॉइंट पे अगर प्रेशर अप्लाइड किया और कौन कहाँ पे अप्लाइड किया, इनक्लोज फ्लूइड पे, तो वो ट्रांसमिट होता है इक्वली एंड अनडिमिनिश, अनडिमिनिश यानी विदाउट एनी लॉस, ठीक है, टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड ऑल्सो टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है, प्रोवाइडेड द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज निग्लेक्टेड। दिस इज नोन एज पास्कल्स लॉ। समझ में आया पास्कल लॉ। सिर्फ याद रखना है कि प्रेशर जो अप्लाई करते हैं वो कांस्टेंट रहता है एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वली ट्रांसमिट होता है एवरी पॉइंट पे एंड टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे, ठीक है, समझ में आया। अब एक्सपेरिमेंटल इसका प्रूफ
आपको दिखाई दे रहा है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखेंगे क्या है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। तो इसके लिए ये जो डायग्राम दिखाई दे रही है उसकी तरफ देखिए। डायग्राम में आपको क्या दिखाई देता है, एक कंटेनर दिखाई देता है, ठीक है, उसमें कुछ तो भी है। तो क्या है इसमें, इसके अंदर जो है इट इज़ नोन एज इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। अब इनकॉम्प्रेसिबल मीन्स क्या है, इनकॉम्प्रेसिबल कॉम्प्रेस यानी दबा सकते हैं उसको, ठीक है, इन कॉम्प्रेस कर सकते हैं, कॉम्प्रेस कर सकते हैं। तो इनकॉम्प्रेसिबल मीन्स जो कॉम्प्रेस होता नहीं, ऐसा फ्लूइड इसमें डाला हुआ है, ठीक है, अंदर वाटर भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये एपरेटस आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कंटेनर है इसको क्या है आपको दिखाई दे रहा है, फोर आर्म्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट आर्म इज ए आर्म, फिर बी है, फिर सी है आर्म एंड डी है। अब जो ये जो आर्म्स है ये ओपन आर्म्स दिखाई दे रहे हैं ना, तो उसके आपको हर एक का एरिया जो है, ये हर एक का एरिया अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है। तो ए का एरिया है ए, स्मॉल ए, बी का एरिया है ट्वाइस ए, थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, ए से डबल दिखाई दे रहा है, ठीक है। और सी का एरिया ए से थ्राइस ए है, देखो थोड़ा और बड़ा हो गया है। और डी का जो एरिया है ए से छोटा है, हाफ है, इसलिए ए बाय टू, ये आपको एरिया दिखाई दे रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द, ये जो दिखाई दे रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बी सी एंड डी। ए का है ए, बी का ट्वाइस ए, सी का थ्री ए एंड डी का ए बाय टू, ओके। अब क्या है, ये जो है ये फ्लूइड को क्या कर दिया है कि टाइटली बंद कर दिया, ऊपर से देखो आप, ऊपर से बंद कर दिया किसके हिसाब, किसके यूज़ से, तो विद द यूज़ ऑफ टाइट पिस्टन्स। अगेन पिस्टन्स हर एक में आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर के, तो दीज आर द पिस्टन्स, इससे बंद कर दिया है ये, ठीक है। तो ये पिस्टन की वजह से वो क्या है, अंदर पूरे लॉक है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब कैसा है, तो देखो अब क्या करेंगे, ए की साइड पे ए जो आर्म है उसको ही एक फोर्स एफ अप्लाई करेंगे, ठीक है। एफ इज अप्लाइड ऑन पिस्टन ए, पिस्टन ए को क्या करेंगे, फोर्स एफ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए फोर्स अप्लाई करने के बाद में अब अपना फोर्स और प्रेशर का क्या रिलेशन है, पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। अगर फोर्स एफ अप्लाई करने के बाद में क्या एग्जर्ट होगा, प्रेशर एग्जर्ट होगा, किस पे एग्जर्ट होगा, लिक्विड पे एग्जर्ट होगा, ठीक है। तो वो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, वो प्रेशर कैसा रहेगा, पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, ठीक है। अब यहाँ ऊपर से अगर आपने फोर्स अप्लाई किया, दैट इज़ प्रेशर इज एग्जर्टेड ऑन ए, देन व्हाट हैपन्ड, बी सी और डी ये क्या होगा, ये पुश होगा ना, ये लिक्विड की वजह से ये क्या होंगे, ये भी पुश होंगे, कहाँ कैसे पुश होंगे, या ऐसा बोल सकते हो आप मूव होंगे, ये भी मूव होंगे इन अपवर पोजीशन और इन अपवर डायरेक्शन। यहाँ पे ये मूव होगा क्योंकि ऊपर से अगर आपने यहाँ पे प्रेशर फोर्स लगाया, यानी प्रेशर इज अप्लाइड, प्रेशर इज एग्जर्टेड, देन व्हाट हैपन्ड, बी सी और डी भी वहाँ से थोड़े से अपवर्ड साइड की तरफ मूव होंगे, ठीक है, समझ में आया। ये अपवर्ड साइड की तरफ मूव होने के बाद में क्या होगा, तो क्यों अपवर्ड साइड में मूव होंगे, क्योंकि ऊपर से ए पे ये इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है, कॉम्प्रेस नहीं होता है, सपोज़ वाटर है, अगर ऊपर से उसको दबाया तो क्या होगा, ये जो पानी है ये यहाँ से आने के लिए करेगा ना, तो सिंपल अपना लॉजिक है, तो अब बाहर तो नहीं आएगा, पर क्या होगा, ये जो साइड पे ये डी सी और बी साइड के वहाँ वो थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश करेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं लेकर चलती हूँ, आगे जाते हैं क्या है, फिर ये समझ में आया होगा प्रेशर अपना कैसा है, ऊपर से पी ए इज इक्वल टू एट पॉइंट ए प्रेशर इज एफ अपॉन ए है, ये तो देखा हमने, ठीक है। फिर ये प्रेशर लगाने की वजह से सी बी सी और डी पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर आता है, तो वो क्या होता है कि इसके वजह से बी सी एंड डी ये पॉइंट्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव होते हैं, अपवर्ड्स मूव होते हैं, ठीक है। तो कौन से प्रेशर से अपवर्ड मूव होंगे, आपको मालूम है, अब प्रेशर डिपेंड्स अपॉन एरिया, अब
वहाँ पे जो फोर्स कौन सा रहेगा, तो बी के तरफ फोर्स रहेगा ट्वाइस एफ, ओके, सी के यहाँ फोर्स रहेगा थ्राइस ए, थ्री ए, एंड डी के वहाँ फोर्स रहेगा एफ बाय टू, ओके। यानी अब ये जो फोर्स ये क्या हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, मूव हो रहे हैं, अब उनको फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे रखने के लिए कितने फोर्स चाहिए, ये वो फोर्सेस है, समझ में है? कौन से फोर्स है, अब ये ऊपर मूव हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्रेशर, तो प्रेशर की तरफ वो अपनी जगह छोड़ रहे हैं, तो इसलिए बी को कितना प्रेशर चाहिए, 2F, सी को कितना प्रेशर चाहिए, 3F, ओके, 3F प्रेशर चाहिए, सो दैट इट अगेन मूव इट्स ओरिजिनल पोजिशन, समझ में आया? अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए उनको कौन से फोर्सेस चाहिए ये देख रहे हैं, ठीक है? डी को कितना फोर्स चाहिए, फिर एफ बाय टू इतना फोर्स चाहिए अगर ओरिजिनल पोजीशन पे रहना है तो, समझ में आया? यानी यहाँ से फोर्सेस कौन से अप्लाई कर रहे हैं ये समझ में आया ना आपको, कि बी को 2F, सी को 3F और डी को एफ बाय टू इतने फोर्सेस चाहिए टू कीप देयर ओरिजिनल पोजिशन, टू कीप द पिस्टन्स टू देयर ओरिजिनल पोजिशंस, समझ में आया? तो अब आगे जाते हैं, क्या है आगे, तो यहाँ पे आपको प्रेशर दिखाई देंगे, हर एक इसमें प्रेशर क्या आता है, हर एक इसमें प्रेशर क्या निकलता है, फिर बी पे था अपना प्रेशर का, पहले यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ, एफ ए इज इक्वल टू ए पॉइंट पे प्रेशर था, एफ ए इज इक्वल टू एफ पी ए इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, ठीक है? ये था अपना पी पॉइंट पे प्रेशर, अगेन अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये तो अपना जनरल फॉर्मूला है, पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, पी ए पे कौन सा प्रेशर था, पी ए इज इक्वल टू एफ अपॉन ए स्मॉल ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया था, ए को ए का स्मॉल ए लिया है, ठीक है? तो ये अपना ए का आ गया है। अब वैसे ही बी की तरफ कैसा रहेगा, पी बी, प्रेशर ऑन बी इज पी बी, और फोर्स कौन सा कितना लगा रहे हैं बी को, देखो फोर्स कितना लगा रहे हैं बी को, इट इज़ ट्वाइस एफ, सी को कितना लगा रहे हैं थ्राइस एफ, डी को कितना लगा रहे हैं एफ बाय टू, और बी का एरिया क्या है 2a, सी का है 3a और डी का a बाय टू, वही सब्सटीट्यूट करेंगे सब इसमें हम f को सब्सटीट्यूट करेंगे b के लिए, f क्या है b के लिए 2f है और एरिया क्या है 2a, 2 कैंसल, वी गेट f अपॉन a, ओके। वैसे एट पॉइंट c द प्रेशर इज 3F अपॉन 3A, 3 कैंसल, दैट इज़ वी गेट F अपॉन A, एट पॉइंट D द प्रेशर इज F बाय 2 अपॉन A बाय 2, दैट इज़ वी गेट F अपॉन A, दैट इज एवरी पॉइंट वी गेट द सेम प्रेशर, ठीक है? जैसे PA था, प्रेशर एट पॉइंट था F अपॉन A, A से ही लगाया था प्रेशर, कितना प्रेशर लगाया था F अपॉन A, B को भी मिल रहा है F अपॉन A, C को भी मिल रहा है F अपॉन A, D को भी मिल रहा है F अपॉन A, इसलिए यहाँ पे लिखा है पी बी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू पी डी इज इक्वल टू पी, दिस इंडिकेट्स दैट द प्रेशर अप्लाइड ऑन पिस्टन A, A को जो प्रेशर अप्लाई किया था वो इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है, जो प्रेशर A को अप्लाई करा था वही प्रेशर इक्वली ट्रांसमिटेड टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड, ठीक है? हर एक पॉइंट को वो इक्वली ट्रांसमिट कर रहा है, जो A को प्रेशर लगाया था वही इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है टू एवरी पॉइंट ऑफ द कंटेनर एंड ऑल्सो टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर और वेसल, ठीक है? तो इसलिए नीचे लिखा है दैट इज़ पी बी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू पी डी इज इक्वल टू पी, दिस इंडिकेट्स दैट प्रेशर अप्लाइड ऑन पिस्टन ए इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश विदाउट एनी फेल विदाउट एनी लॉस अनडिमिनिश टू ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड एंड एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द वेसल, ठीक है? ये है पास्कल लॉ एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, आपको समझ में आया होगा, ठीक है? तो अभी आप यही अपनी नोट्स है, आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप यही इसका ही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये नोट्स लिख सकते हो, तो मैं फिर से ये साइड में जाती हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पास्कल लॉ, यही अपनी नोट्स है, यही लिखना है सब, ऐसे पॉइंट वाइज लिखना है और आगे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
स्टेट एंड एक्सप्लेन और स्टेट एंड प्रूफ, पास्कल लॉ, ऐसा पूछा जा सकता है 3 मार्क्स के लिए, तो तब आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। अब अप्लीकेशंस देखते हैं पास्कल लॉ के। तो फर्स्ट अप्लीकेशन, दो टाइप के अप्लीकेशंस देखने हैं हमको। फर्स्ट अप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट और सेकंड अप्लीकेशन है हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है? तो फर्स्ट देखते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। लिफ्ट यानी ऊपर उठना, ठीक है? तो ऊपर उठना या उसको नीचे करना, उसको बोलते हैं लिफ्ट। अब एक आधे ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो उसको एक छोटा सा फोर्स लगेगा, तो वो क्या है, उसको अगर बड़ा, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है तो बहुत बड़ा फोर्स लगेगा उसको उठाने के लिए। तो वही अब कैसा टेक्निक है, देखो, अपने अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, इफ़ वी अप्लाइड द प्रेशर टू वन पॉइंट, एनी पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन इट इज़ ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड टू ऑल द पॉइंट एंड विदाउट एनी फेल, दैट इज़ टू द ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये आपने देखा था। तो अब क्या करेंगे, तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसी रहती है कि सपोज करो कि ये एक पार्ट है और यहाँ से प्रेशर अप्लाई किया है। अब सपोज एक कार है, उसको उठाना है, तो क्या होगा, तो ये यहाँ से प्रेशर अप्लाई करने के बाद में अगर यहाँ पे अगर सपोज एक आधी हेवी और आप सपोज कर सकते हो कि अगर यहाँ पे एक आधा हेवी ऑब्जेक्ट रख दिया, एक आधा व्हीकल रख दिया, कार को उठाना है, तो इफ़ वे अप्लाई द प्रेशर और फोर्स ऑन दिस पॉइंट, देन ड्यू टू दिस फोर्स दिस कार या दिस ऑब्जेक्ट इज अपलिफ्टेड, ऊपर लिफ्ट होती है, ऊपर उठाई जाती है, ठीक है? तो यही टेक्निक है हाइड्रोलिक लिफ्ट में। समझ में आया कि यहाँ से आपने अगर एक छोटा सा फोर्स अप्लाई किया तो ये फोर्स ऐसा ट्रांसमिट होते हुए यहाँ से ये ऊपर उठ जाएगा। ओके, तो यही है हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रिंसिपल। तो आगे जाकर देखते हैं इसको डिटेल में। तो ये समझ में आया ना कि ये हाइड्रोलिक लिफ्ट किसके लिए यूज्ड होती है, कि इट इज़ यूज्ड टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट यूजिंग अ स्मॉल फोर्स। छोटा सा फोर्स अप्लाई करके ये बड़ा ऑब्जेक्ट आप इजीली उसको उठा सकते हो। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है? एंड इट इज़ ये इसका जो वर्किंग है, इट इज़ बेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ। ये किसके ऊपर बेस है, पास्कल लॉ के ऊपर ही बेस है। तो समझ में आया होगा आपको। तो कैसा है, तो इट इज़ फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इट इज़ यूज टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट यूजिंग अ स्मॉल फोर्स। हेवी ऑब्जेक्ट को अगर उठाना है तो सिर्फ स्मॉल फोर्स देके उसको उठा सकते हैं यूजिंग दिस हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है? और वर्किंग क्या है, इट इज़ द वर्किंग इज़ बेस ऑन द पास्कल लॉ। उसका जो वर्किंग वर्क कैसा होता है, इट इज़ बेस ऑन द पास्कल लॉ। ओके, समझ में आया? तो अब इसका प्रिंसिपल क्या है, जैसे मैंने बोला है कि अगर एक साइड को अगर हेवी लोड आपने प्लेस करा है, एक साइड पे अगर हेवी लोड है आपका, ठीक है, और इफ़ वी अप्लाइड, अब इसको हेवी लोड को लिफ्ट करना है और या मूव डाउन करना है, ऊपर उठाना है या नीचे करना है, कुछ भी अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अप्लाइड द प्रेशर और फोर्स ऑन द अदर साइड, अ स्मॉल फोर्स ऑन द अदर साइड आपको अप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट दिस हेवी ऑब्जेक्ट कैन बी लिफ्टेड अप और मूव डाउन, ठीक है? ये हेवी ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाएगा यहाँ से फोर्स अप्लाई करने के बाद में, क्योंकि ये फोर्स इक्वल यहाँ पे ट्रांसमिट होता है, और ये जो फोर्स है इक्वल अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू एवरी पॉइंट, एंड देन दिस ऑब्जेक्ट कैन बी इजीली लिफ्टेड अप और मूव डाउन। समझ में आया? तो यही प्रिंसिपल है, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दिखाई दे रहा है, अ हेवी लोड कैन बी प्लेस ऑन वन साइड एंड कैन बी लिफ्टेड अप और मूव डाउन बाय अप्लाइंग स्मॉल फोर्स ऑन अनदर साइड। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। ओके, समझ में आया फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रिंसिपल? तो उसके लिए अब उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्या है उसका एक्सप्लेनेशन। तो देखो,
यहाँ पे आपको डायग्राम की तरफ आप देखिए, डायग्राम में आपको दो सिलेंडर्स दिखाई दे रहे हैं। पहला सिलेंडर है S1, सेकेंड वन इज S2। अब S1 और S2 के तरफ देखो, एरिया जो है S1 का वो दैट इज़ इट इज़ डिनोटेड बाय A1 और S2 का एरिया डिनोटेड बाय A2। अब एरिया कैसा है, A2 ये बहुत बड़ा है, A2 यानी S2 का जो एरिया है इट इज़ मच ग्रेटर दैन द A1, यानी S1 के एरिया से S2 का एरिया आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए अब A1 और A2 के बारे में लिखते हैं कि A2 कैसा दिखाई दे रहा है। A2 यानी इसका एरिया, इट इज़ A2 इज़ मच ग्रेटर देन A1 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, वी हैव टू अप्लाइड फोर्स F1 अप्लाइड करना है फोर्स। ये जो F1 है ना, ये अप्लाई करना है को कहाँ पे अप्लाई करना है, पिस्टन S1 पे। ये इसको क्लोज कर दिया विद द हेल्प ऑफ पिस्टन्स। यहाँ पे ये क्या है, पिस्टन्स है, ये पिस्टन है, ये भी पिस्टन है, ठीक है। ये ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है पिस्टन, ओके। तो अब क्या करेंगे कि फोर्स अप्लाई करेंगे F1 टू द सिलेंडर S1। S1 को फोर्स अप्लाइड करेंगे। अब ये फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, इट एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। कैसे अप्लाई करना है फोर्स, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर फोर्स अप्लाई करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो वो क्या जनरेट करेगा, क्या एग्जर्ट करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा। और वो प्रेशर कैसा रहेगा, पी इज इक्वल टू प्रेशर P1 करेंगे उसको, P1 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1, इतना फोर्स वो एग्जर्ट करेगा। ये समझ में आया आपको, कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा फिर ऊपर से, सॉरी कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, P1 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1। तो यहाँ पे P1 चाहिए था, P1 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1, इतना फोर्स एग्जर्ट करेगा। वही जो अभी मैंने जो थ्योरी बोली वो सब यहाँ पे है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं कि अब P1 एग्जर्ट करने के बाद में, P1 कैसा है, फोर्स एग्जर्टेड बाय सिलेंडर S1, सिलेंडर S1 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये अपने ये किया है, एग्जर्ट किया है फोर्स, ठीक है। तो अब F2 कैसा दिखाई दे रहा है आपको, देखो F2 कैसा रहेगा, इट इज़ P अपॉन A2, सॉरी F2 जो है वो P2 जो है वो कैसा रहेगा, F2 अपॉन A2 रहेगा, है ना। जैसे P2 जो है वो कैसा मिलेगा आपको, F2 अपॉन A2, ओके। देखो अब नेक्स्ट इसमें F2 इज इक्वल टू P into A2, तो ये समझ में आया होगा आपको, P into A2 कैसा आया, तो समझ में आया कि P की वैल्यू क्या रहती है, P इज इक्वल टू F2 फोर्स अपॉन एरिया। सो P इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, ये आपको मिल गया है, ठीक है। तो अगेन पहले स्लाइड पे की तरफ जाते हैं, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके। तो देखो ये समझ में आया कि आपको, पहले से बताती हूँ कि इफ़ वी अप्लाई फोर्स F1 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन टू द सिलेंडर S1, ठीक है, तो वो प्रेशर एग्जर्ट होगा। प्रेशर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे P लिखते हैं, P इज इक्वल टू F1 अपॉन A1, ये प्रेशर रहेगा, ओके। अब ये प्रेशर अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ ये क्या होगा, इक्वली ट्रांसमिट होगा टू एवरी पॉइंट ऑन द फ्लूइड इनसाइड द सिलेंडर S2 की तरफ इक्वली प्रेशर अब पास होगा। तो यहाँ पे P1 इज इक्वल टू P2 आपको दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे P1 इज इक्वल टू P2 और इसको ही P बोलेंगे, ठीक है। तो सेकंड सिलेंडर पे कितना प्रेशर रहेगा, इट इज़ डिनोटेड बाय P2 अगर है फिर भी इसको P ही बोलते हैं क्योंकि इक्वल प्रेशर है। P2 इज इक्वल टू इट इज़ F2 अपॉन A2, तो कितना फोर्स रहेगा फिर, इट इज़ F2 इज इक्वल टू P into A2। इसलिए आपको अब समझ में आया होगा F2 इज इक्वल टू P into A2, इतना फोर्स रहेगा। तो ये इसलिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये कि F2 इज इक्वल टू P into A2, समझ में आया कैसा आया, तो P into A2। तो अब यहाँ पे तो ये जो फोर्स है वो कैसा एग्जर्ट होगा, ये जो F2 फोर्स आपको दिखाई दे रहा है वो कैसा एग्जर्ट हो रहा है, इन अपवर्ड डायरेक्शन में एग्जर्ट हो रहा है।
ये फोर्स कैसा एग्जर्ट हो रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया फिर कैसा एग्जर्ट हो रहा है? तो अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम, F2 इज एग्जर्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो जो अपने इक्वेशन मिला था F2 इज इक्वल टू P इंटू A2, तो ये यहाँ पे मैं सेपरेटली लिखती हूँ, F2 इज इक्वल टू P इंटू A2। तो P की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, P की वैल्यू क्या थी लास्ट इसमें आपने देखा था, P इज F1 अपॉन A1। तो P की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, इट इज़ F1 अपॉन A1 इंटू A2। सो वी गेट P इज इक्वल टू, अब इसको रीअरेंज करेंगे, A2 अपॉन A1 इंटू F1। ओके, सो वी गेट F2 की वैल्यू मिल गई है, F2 इज अ फोर्स एग्जर्टेड बाय द फ्लूइड इन सिलेंडर S2 इन अपवर्ड डायरेक्शन। दस अब F2 कैसा मिल गया है आपको, F2 इज मच ग्रेटर दैन F1, फोर्स ग्रेटर मिल गया है, इसलिए वो जो ऑब्जेक्ट है वो लिफ्ट होता है। ठीक है, F2 इज ग्रेटर दैन F1। समझ में आया फिर, दिस इज नोन एज हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये सब प्रिंसिपल आपने देखा है हाइड्रोलिक लिफ्ट का, कि इफ़ ए हेवी लोड कैन बी प्लेस ऑन वन साइड एंड कैन बी लिफ्टेड अप और मूव डाउन बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स ऑन द अदर साइड, दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, इसका आप यही नोट्स है, इसका ही आप स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, या आपके रेफरेंस के लिए चाहिए तो ये इसका ले सकते हो, नहीं तो मैं इसको भी इरेज कर लेती हूँ। समझ में आया, ये फर्स्ट एप्लीकेशन ख़त्म होता है, सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक्स का। अब ब्रेक्स तो हर एक व्हीकल में नेसेसरी है, ब्रेक्स जो लगाते हैं व्हीकल में, तो कार में सामने आप बैठे रहते हो अंदर, और आप ब्रेक लगाते हो और आपके जो व्हील्स है वो बाहर की तरफ है, फिर भी वो ब्रेक लगाने के बाद में वो व्हील्स स्टॉप होते हैं, तो क्यों ऐसा होता है, वही मैकेनिज्म आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ, तो पास्कल लॉ के प्रिंसिपल पे ही ये हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम अप्लाई होती है। तो क्या है, तो इसका यूज़ क्या है, टू स्लो डाउन, अगर आपको स्पीड बहुत स्पीड पे गाड़ी आप चला रहे हो तो उसको अगर स्लो करना है तो थोड़ा सा आप ब्रेक लगाते हो, तो इसलिए टू स्लो डाउन और स्टॉप द व्हीकल, जो मोशन में व्हीकल है उसको स्लो करने के लिए और स्टॉप करने के लिए ये ब्रेक्स का यूज़ होता है। अगेन इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिगर में ये जो पूरी ब्रेक सिस्टम, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसमें जो है ये सबसे जो मेन पार्ट है, इट इज़ नोन एज मास्टर सिलेंडर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ जो बीच वाला सिलेंडर है, इट इज़ नोन एज मास्टर सिलेंडर। एंड ये जो चार सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट A1, A2, A3 एंड A4, दीज आर द स्लेव सिलेंडर्स, ये स्लेव यानी ये है अपने उसका स्लेव है, नौकर है। ठीक है, ये मास्टर है और ये इसके नौकर है, चार ऐसे पकड़ो, तो इसलिए उनको बोला है स्लेव सिलेंडर। दीज आर फर्स्ट A1 इज़ द मास्टर सिलेंडर एंड दीज फोर आर द स्लेव सिलेंडर्स। ठीक है, स्लेव सिलेंडर बोला जाता है। अब क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप गाड़ी में आप अगर यहाँ पे बैठे हो तो अगर इफ़ वी अप्लाई द फोर्स, तो कहाँ पे अप्लाई करेंगे, ब्रेक पेडल पे, तो यहाँ पे ये ब्रेक पेडल है, यहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, ये एक प्रकार का पिस्टन ही है, ये क्या है, पिस्टन है, आप जब ब्रेक लगाते हो कार चलाते समय तो ये पिस्टन है अंदर की तरफ। ठीक है, ये इट इज़ पुश इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, कैसा पुश करते हैं ऐसा, ठीक है, पुश इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो क्या होगा, इसको पुश करने की वजह से ये ट्रांसमिट होगा यहाँ पे प्रेशर उसका। ठीक है, एवरी पॉइंट ये कनेक्टेड है अंदर से, आपको दिखाई दे रहा है, तो इट इज़ द सो दैट व्हेन वी पुशेश इट इन, किसको पुश करेंगे, ये ब्रेक पेडल को, यहाँ पे आपको ब्रेक पेडल दिखाई दे रहा है, इसको पुश करेंगे इन अप फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो क्या होगा, जो स्लेव पिस्टन्स है यहाँ पे हर एक को स्लेव सिलेंडर्स को, ये जो ब्लू कलर का है ये क्या है, ये है पिस्टन्स।
ये पिस्टन है, ठीक है। तो हर एक को क्या लगाया है, पिस्टन लगाया है, तो ये क्या होगा, ये पिस्टन पुश होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ये पिस्टन पुश होंगे, तो पिस्टन पुश होने के वजह से क्या होगा, ये सामने के दो ब्रेक्स है, ये पीछे के दो ब्रेक्स है, ये सामने वाले है, ये पीछे का काम करते हैं, ठीक है। तो ब्रेक पुश करने की वजह से, सॉरी, ये पुश कर ब्रेक पेडल पुश करने की वजह से क्या हो गया, जो सिलेंडर स्लेव सिलेंडर्स है वो भी पुश होंगे, ठीक है, पुश होंगे सामने के अपवर्ड पोजिशन पे। और पुशेश किसको पुश करेंगे, वो उनको क्या लगाए जाते हैं, एक पैड्स, जो ब्रेक्स को पैड्स रहते हैं, और वो पैड्स कहाँ पे रहते हैं, जो अपने व्हील्स है वहाँ पे उसको कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या पुश करेंगे, फिर ये फ्रिक्शन पैड्स को, ये अपना व्हील है सपोज करो, और उसको ये पैड्स लगाए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो पिस्टन, ये जो स्लेव पिस्टन है, स्लेव सिलेंडर के पिस्टन्स है, ये क्या करेंगे, पुशेस द फ्रिक्शन पैड्स, इसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन पैड्स को पुश करेंगे। फ्रिक्शन पैड्स को पुश करने के वजह से क्या होगा, ये पक्का हो जाएगा यहाँ पे, यानी क्या होगा, जो व्हील रोटेट हो रहा है वो कैसा हो गया, स्लो हो जाएगा, और ज़ोर से ब्रेक दबाया तो क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा, अपनी जो व्हीकल है वो क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो ये है, ऐसा वर्किंग है इसका, समझ में आया क्या, क्या करना है। तो इफ़ वी अप्लाई द, अब ब्रेक पैडल को प्रेस कर दिया, फोर्स लगा दिया ब्रेक पैडल को, तो क्या होगा, इट ये जो है ट्रांसमिटेड टू द ये स्लेव सिलेंडर्स, और स्लेव सिलेंडर्स के तरफ ट्रांसमिट होने की वजह से क्या हो गया, अब स्लेव सिलेंडर भी अपवर्ड फॉरवर्ड पोजीशन की तरफ मूव होंगे। यहाँ पे आप सामने के ब्रेक्स देखिए सिर्फ, तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड पोजीशन पे मूव होने के वजह से क्या हो गया, जो व्हील को लगे हुए जो फ्रिक्शन पैड्स है उसको ये दब जाएंगे, ठीक है। तो उसको कनेक्ट रहते हैं, वो दब जाएंगे ये फ्रिक्शन पैड्स, अगर वो दब जाएंगे तो क्या होगा, अपना मूव व्हीकल जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा, अगर जितना फोर्स लगाए उसके ऊपर डिपेंड है, या पूरी ताकत से थोड़ा सा तो व्हीकल सामने जाता ही है अगर ब्रेक लगाने के बाद में, तो ठीक है, तो मूव होता ही है थोड़ा सा व्हीकल। तो अगर इफ़ वी अप्लाई द फोर्स, देन क्या होगा, दिस स्लेव पिस्टन पुशेस द फ्रिक्शन पैड्स एंड अगेंस्ट द रोटेटिंग डिस्क, ये जो रोटेटिंग व्हील है उसको तरफ पुश करेगा, और सो दैट जो व्हीकल है, मूविंग व्हीकल, वो कैसे हो जाएंगी, स्लो डाउन होगी और स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। यही सब यहाँ पे लिखा है, आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, फिर क्या होता है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि जो एरिया है, ये स्लेव सिलेंडर और मास्टर सिलेंडर के एरिया की तरफ देखो आप, ठीक है। तो अब स्लेव मास्टर सिलेंडर का एरिया कैसा दिख रहा है, मास्टर सिलेंडर का एरिया है A1, मास्टर सिलेंडर का एरिया है A1, इट इज़ स्मॉलर देन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंपेयर टू द एरिया ऑफ A2। A2 की वजह, A2 से ये कैसा है, स्मॉलर दिख रही है, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो अगर स्मॉल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कहाँ से, या ये A1 सिलेंडर से, ये ब्रेक पेडल है ना, यहाँ से F1 ये स्मॉल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इट जनरेट्स द प्रेशर। सो वी हियर वी हैव प्रेशर P इज इक्वल टू, क्या मिलता है, फोर्स F1 देते हैं यहाँ पे टू द एरिया A1, P इज इक्वल टू F1 upon A1, ठीक है। वैसे ही तो यही फोर्स इक्वली क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, ये P प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है और अनडिमिनिशली हो रहा है, यानी विदाउट एनी लॉस हो रहा है थ्रू आउट द सिस्टम, एंड देयरफॉर देयर इज अ फोर्स F2, यहाँ पे कितना फोर्स रहेगा, F2 ऑन स्लेव सिलेंडर। सो F2 की वैल्यू क्या आएगी, F2 इज इक्वल टू, आपको ये फोर्स की वैल्यू क्या मिलेगी फिर, F2 इज इक्वल टू P into A2। ये तो समझ में आएगा, क्योंकि P2 कैसा है, P2 इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P है, ठीक है। तो इट इज़ इक्वल टू क्या आता है, P इज इक्वल टू F2 upon A2। सो F2 की वैल्यू क्या मिली आपको, F2 इज इक्वल टू P into A2। समझ में आया, सेम ही प्रिंसिपल है हाइड्रोलिक लिफ्ट का,
समझ में आया जो हाइड्रोलिक लिफ्ट में किया वही करना है। ओके देखो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पी इज इक्वल टू एफ वन अपॉन ए वन, ये तो किया ठीक है। अब क्या होगा F2 की वैल्यू कैसे मिली आपको P इंटू A2, वैसे वही कैलकुलेशंस है कि F2 इज इक्वल टू P इंटू A2 आपको मिला है। P की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, P की वैल्यू है F1, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है P की वैल्यू, P इज इक्वल टू F1 अपॉन A1, ये सब्सटीट्यूट करने के बाद में यहाँ पे A2, इट इज़ इक्वल टू A2 अपॉन A1 इंटू यहाँ पे F1, ये है वैल्यू F2 की ठीक है। अगेन सिमिलरली मिल गया है, यानी अपना A2 एरिया कैसा है, इट इज़ ग्रेटर देन, A2 कैसा था ग्रेटर देन A1, सो द फोर्स F2 इज़ आल्सो ग्रेटर देन F1 ठीक है। तो यानी क्या है, अगर ब्रेक पेडल पे स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हैं तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द लार्ज फोर्स एंड सो द व्हीकल स्लोज डाउन और स्टॉप होती है। समझ में आया कि A2 कैसा था, बड़ा था A1 से, यानी पहले सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है कंपेयर टू A2, तो क्या होगा फोर्स कैसा मिलता है, जो A2 का फोर्स है वो कैसा है, बड़ा है। A2 का फोर्स F2 है, F2 इज़ ग्रेटर देन कैसा मिला आपको, F2 इज़ ग्रेटर देन F1, छोटा सा फोर्स अप्लाई करने के बाद में आपको बड़ा फोर्स मिल रहा है, तो वो फोर्स कैसा है, ये इट इज़ एफ ए टू अपॉन ए वन टाइम्स एफ वन। समझ में आया, तो सेम प्रिंसिपल है हाइड्रोलिक लिफ्ट का, तो यही इस पे ही बेस है हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको, आपको तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट इसमें जाते हैं, एक एग्जांपल है यहाँ पे अपना पास्कल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस ख़त्म होते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे बेस ऑन दिस प्रिंसिपल, यानी ये फॉर्मूला पे ही बेस है F2 इज इक्वल टू F1 A2 अपॉन A1 ठीक है। नेक्स्ट ये देखेंगे एग्जांपल, दिस एग्जांपल इज बेस ऑन द फॉर्मूला, कौन से फॉर्मूला पे बेस है, F2 इज इक्वल टू F1, ये फॉर्मूला पे है F2 इज इक्वल टू एफ वन इंटू ब्रैकेट ए टू अपॉन ए वन। ओके ये फॉर्मूला पे बेस ये एग्जांपल ही देख रहे हैं, तो देखो क्या एग्जांपल है, अ हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार ऑफ मास 1000 kg। अब गिवन लिखते हैं हर एक का, गिवन में क्या दिखाई दे रहा है आपको कि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम अप्लाई किया है कार को, तो कार का मास दिया है एम इज इक्वल टू 1000 kg हैविंग स्पीड ऑफ 50 km/h। स्पीड कितनी है कार की, 50 km/h, इसको कन्वर्ट करेंगे, आपको मालूम है कि 50 km/h को कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको मिलेगा इट इज़ इक्वल टू सपोज 125/9 m/s ठीक है। तो हैज़ अ सिलेंड्रिकल पिस्टन ऑफ रेडियस ऑफ 0.5 cm, रेडियस कितना दिया है आर इज इक्वल टू 0.5 cm, इट इज़ इक्वल टू 0.5 × 10⁻²⁻²⁻¹ m। द स्लेव सिलेंडर हैज़ अ रेडियस ऑफ 2.5 cm। अब मास्टर सिलेंडर का रेडियस दिया था 0.5 cm आर वन, अब स्लेव सिलेंडर को बोलेंगे आर टू इज इक्वल टू कितना दिया है 2.5 cm, यानी इट इज़ इक्वल टू 2.5 × 10⁻²⁻¹ m। ठीक है नेक्स्ट क्या दिया है, इफ़ अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 100 N इज अप्लाइड ऑन द ब्रेक, तो कितना फोर्स लगाना है F इज इक्वल टू, तो 100 N का फोर्स लगाया है, अगर ब्रेक पे कितना फोर्स लगाया है, इफ़ अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 100 N इज अप्लाइड ऑन द ब्रेक व्हाट डिस्टेंस द कार विल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू स्टॉप। ब्रेक लगाने के बाद में थोड़ा सा डिस्टेंस कार ट्रैवल करती है, तो वो डिस्टेंस को निकालना है, सपोज वो डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय एस, एस की वैल्यू क्या रहेगी ये निकालना है
ठीक है, अब एस को निकालना है तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो दिया है इनिशियल फोर्स 100 न्यूटन ऑन द ब्रेक पेडल, ब्रेक पेडल पे 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने के बाद में स्लेव सिलेंडर पे कितना फोर्स आता है, दैट इज फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट F2 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टॉप करने के लिए जो एक्सेलरेशन रहता है उसको रिटार्डेशन बोलते हैं, वो निकालना पड़ेगा और उसके बाद में न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके आपको S कहाँ पे मिलेगा, S मिलेगा इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स के इक्वेशन ऑफ मोशन में के इक्वेशन में। ठीक है, तो निकालते हैं अभी, नेक्स्ट इस पे देखेंगे। हाँ, यहाँ पे अब निकालते हैं, फर्स्ट स्टेप करनी है अपने को कि फर्स्ट वी हैव टू फाइंड F2, जो स्लेव सिलेंडर पे जो फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये आपको निकालना है, स्लेव सिलेंडर का जो फोर्स है वो निकालना है। ठीक है, आपके पास में फॉर्मूला है F2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 इंटू F1। अब यह है एरिया, इट इज़ इक्वल टू πr² तो अब यहाँ पे लिखती हूँ मैं πr² A2 है इसलिए πr² इंटू F1 है 100। ओके, तो यहाँ पे पाए पाए कैंसिल हो जाता है, r2 की वैल्यू थी 2.5। देखो आप मेरे साथ आप भी लिखो, आप भी करो, यानी आपका भी क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर लिखते हैं 0.5 इंटू 10^-2 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो कैसा आएगा, 100 2.5 का स्क्वायर इज 6.25 इंटू 10^-4 डिवाइडेड बाय 0.25 इंटू 10^-4। ठीक है, ये हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेट करने के बाद में इट इज़ इक्वल टू 6.25 अपॉन 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 10^10 के पावर्स को अगर कैलकुलेट करते हैं तो 10^2 इट इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू 2500 न्यूटन, ये आई वैल्यू अगर कैलकुलेट करने के बाद में, तो दिस इज़ द फोर्स F2, ये F2 की वैल्यू आपको मिल गई है। अब एक्सेलरेशन ऑफ द कार, एक्सेलरेशन यानी स्टॉप करना है, तो इट इज़ नथिंग बट द रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन बोलेंगे पर इट इज़ नोन एज रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन सेकंड पॉइंट आपको सेकंड पार्ट लेना है, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू क्या रहता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन रहता है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F2 अपॉन M आएगा। ठीक है, तो F2 की वैल्यू निकाली है, इट इज़ 2500 अपॉन 1000, मास कितना है 1000, इट इज़ इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया A। अब ये है रिटार्डेशन, ये स्टॉप करता है, इसलिए अब इक्वेशन ऑफ मोशन में S की वैल्यू वहाँ से निकालेंगे। थर्ड पॉइंट देखो क्या निकालना है, टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट S। ओके, कैसा निकालेंगे, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। अब क्या है अपना, ये है अगर यूज कर रहे हैं, v² इज इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस as। अब यहाँ पे प्लस न आते हुए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, बिकॉज इट इज रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन। ठीक है, तो S इज, ये जो साइन जो है वो निगेटिव आएगा और V की वैल्यू क्या आएगी, इट इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि स्टॉप कर रहा है ना। फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, U इज इक्वल टू, देखो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे लिखी है, तो यहाँ पे V लिखा है मैंने, पर यहाँ पे क्या चाहिए, वो इनिशियल वेलोसिटी है, तो इट इज़ U। ओके, स्टार्टिंग की वेलोसिटी U है वो। ठीक है, तो यहाँ पे V की वैल्यू, क्योंकि स्टॉप हो रही है कार, तो इसलिए V इज़ ए फाइनल वेलोसिटी, इट इज़ इक्वल टू 0। तो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अभी यहाँ पे v² इज इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस s था, v² इज इक्वल टू u² माइनस लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन है, प्लस की जगह माइनस क्यों आया समझ में आया होगा, अभी स्टॉप करना है इसलिए। तो V की वैल्यू 0, इट इज़ इक्वल टू U की वैल्यू 50 किलोमीटर पर आवर, यानी हमने निकाला था 125 अपॉन 9 का स्क्वायर,
माइनस टू इंटू ए की वैल्यू 2.5 निकाली है और ये है s, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 0 इज इक्वल टू ऊपर का आता है 15625 डिवाइडेड बाय 81, इट इज 81 माइनस 5, ये हो गया 5 इंटू s, ठीक है। तो ये इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो आता है s इज इक्वल टू 192.90 अपॉन 5, सो s की वैल्यू आती है 38.58 मीटर, ओके। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, समझ में आया। तो आज ये अपना पूरा पास्कल लॉ, उसका एप्लीकेशंस और उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल बुक में दिया है वो पूरा कवर हो गया है। तो आज के दिन इतना ही करते हैं, नेक्स्ट मेरे वीडियो में आप हम देखेंगे तो जो इंस्ट्रूमेंट्स है यूज़ टू प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पे स्टॉप करते हैं, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।